आप सबका हमारे चैनल में भविष्यवाणी। मैं हूं मोहित और ये ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रहा हूं बिकॉज इसका एक रीज़न है। मैंने बीवी को फिर से बताया नहीं है क्योंकि आज एक वह बहुत ही ख़ास दिन है, तो मैं बीवी को सरप्राइज़ देना चाहता हूं, इसलिए मैं बाहर से निकल के घर से मैं ये ब्लॉग शूट कर रहा हूं। तो आज वैसे तो रामनवमी है, आप सब अवेयर ही होंगे 21 अप्रैल है, बट इसके अलावा मेरा और मेरी बीवी के जीवन का एक ख़ास दिन और है। आज के दिन 2 साल पहले हम लोगों की इंगेजमेंट हुई थी, तो आज है हमारी इंगेजमेंट एनिवर्सरी भी। तो ड्यू टू कोविड हम लोग लास्ट ईयर भी सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे, लॉकडाउन था, और इस साल भी ऑलमोस्ट सेम ही सिचुएशन है और हम लोग कहीं बाहर जा नहीं सकते हैं। और कल तो गाज़ियाबाद में मार्केट भी ऑलमोस्ट सारी ही बंद थी, कल मैं गया था तो, बट कल लास्ट ईयर तो बिल्कुल भी हमको सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे फर्स्ट एनिवर्सरी पे, जिस घर पे खाना पीना हुआ था। और आज तो बिकॉज रामनवमी थी तो खाना बना ही है, तो मतलब पक्का खाना बना है तो वो खाया है, उसके अलावा कोई अभी प्लान नहीं था। तो ऑल्दो मेरा प्लान था पहले से, तो इसीलिए मैंने मॉर्निंग में कुछ इतना ज़्यादा खुशी अभी तक दिखाई नहीं है घर पर, ठीक है कि, और सबको ये लग रहा है कि मुझे याद भी नहीं है, ठीक है। तो मैं भी घर से बस खाना पीना खाने के बाद, ऑफिस की कुछ मीटिंग्स अटेंड करने के बाद ऑफिस से ब्रेक लिया है और मैं जस्ट अभी निकल चुका हूँ घर से, और कुछ थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन की प्रिपरेशन करने के लिए। ऑल्दो मैं कल भी गया था और सैटरडे भी गया था टू परचेस ए गिफ्ट फॉर माई वाइफ, बट कल गाज़ियाबाद में सारी ही मार्केट बंद पड़ी हुई थी और ड्यू टू कोविड, और आज मैं निकला हूँ इसीलिए। और सैटरडे भी मैं गया था बट सैटरडे मुझे कुछ पसंद नहीं आया था, तो लेट्स सी कि मैं क्या सरप्राइज़ दे सकता हूँ वाइफ को, और आपको लेकर चलता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ और घर चल के हम लोग सरप्राइज़ देते हैं, ठीक है। तो लेट्स गो एंड प्लीज़ बी विद मी ड्यूरिंग दिस सेलिब्रेशन, लेट्स गो। तो गाइज मैं आ चुका हूँ गाज़ियाबाद में, थरारनगर मार्केट है, अगर आप लोग गाज़ियाबाद आए होंगे तो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस मार्केट। तो अभी बस बाहर जाके फिर मैं मास्क पहन लूँगा, तो अभी जस्ट रिकॉर्ड करने के लिए मास्क उतारा है और मैं आ गया हूँ थरारनगर मार्केट। यहाँ पर ही ऑलमोस्ट सॉरी ज्वेलर्स हैं, अच्छा सॉरी मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने प्लान किया था बीवी के लिए एक नोज पिन लेने का। एक्चुअली कुछ दिनों पहले अराउंड 2-3 मंथ्स बैक एक बार वो बोल रही थी कि मुझे इस बार नोज़ पिन में कभी मैं नेक्स्ट टाइम लूँगी तो वो जो एक रिंग टाइप की आती है तो नोज़ रिंग लूँगी, तो मैं वही सोच रहा हूँ उसे इस बार गिफ्ट करने के लिए। मैंने तभी सोच लिया था कि इंगेजमेंट एनिवर्सरी पे मैं उसे गिफ्ट करूँगा, तो सैटरडे में गया था लेकिन मिला नहीं मुझे। कल यहाँ मार्केट बंद थी लेकिन आज सब कुछ खुला हुआ है, तो अभी मैं बाहर PC ज्वेलर्स के बाहर खड़ा हुआ हूँ, तो यहाँ से अब मैं जाता हूँ अंदर और शायद वो लोग मुझे शूट करने नहीं देंगे क्योंकि दे डोंट अलाउ टू टेक पिक्चर्स एंड रिकॉर्डिंग एंड ऑल द थिंग्स। तो मैं जाता हूँ, अगर मुझे पसंद आया तो मैं यहीं से परचेज़ कर लूँगा, अगर पसंद नहीं आया तो आई विल गो टू द सम अदर शॉप। यहाँ पर बहुत सारी शॉप्स हैं जैसे कि मुझे बाहर ही दिख रही है, यहाँ पे मालाबार गोल्ड है और एक यहाँ का लोकल ही है जानकी ज्वेलर्स, जिससे हम लोग काफ़ी बार परचेजिंग कर चुके हैं, तो देखते हैं स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। आई होप कि मुझे यहाँ PC ज्वेलर्स में मिल जाए क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम है नहीं, और तो इसलिए बस जल्दी जल्दी मैं करके और घर पहुँचूँ। लेट्स गो देन एंड सी, आई प्रे कि मुझे मिल जाए गिफ्ट मेरा आज। सो PC ज्वेलर्स से मैं बाहर आ चुका हूँ अभी, और वहाँ पर केवल एक ही ऑप्शन अवेलेबल था, तो अच्छा तो लगा था मुझे, बट मैं चाहता हूँ कि मतलब एक दो ऑप्शन और देख लूँ क्योंकि हो सकता है कि कुछ इससे भी अच्छा मिल जाए मुझे। मैंने उनसे पूछा कि फ़ोटो क्लिक कर सकता हूँ कि नहीं, तो उन्होंने मना कर दिया, अभी फ़ोटो क्लिक नहीं कर सकते हो आप, सो दी परचेज यू कैन क्लिक द फोटो। फिर मैं अब जाता हूँ मालाबार गोल्ड में, वहाँ देखते हैं क्या ऑप्शन है। तो मैं मालाबार गोल्ड से भी बाहर आ चुका हूँ, वहाँ पर तो ऑप्शन ही नहीं थे रिंग वाले, वो लोग कह रहे हैं कि ये आउट ऑफ फैशन है या फिर ज़्यादा बिकती नहीं है,
समथिंग लाइक दैट, जो डिजाइन में चाहिए। तो दूसरा मैंने जानकी में भी देखा है, यहाँ पर उनके पास भी ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। तो फाइनली आई एम थिंकिंग टू टेक इट फ्रॉम दी पीसी ज्वेलर्स। सो लेट्स गो एंड वहाँ पर परचेज करके फिर आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या परचेज किया है। तो गाइज फाइनली मैंने एक छोटा सा प्रेजेंट अपनी वाइफ के लिए खरीद लिया है और वो है नोज़ रिंग। तो मुझे दोनों तीन ऑप्शंस मैंने देखे लेकिन मुझे पसंद केवल पीसी ज्वेलर्स वाला आया और ज़्यादा ऑप्शंस थे भी नहीं मार्केट में, बिकॉज अभी यहाँ पे ज़्यादातर जो गोल्ड है या फिर जो डायमंड है वो यहाँ से महाराष्ट्र या फिर केरला से आता है। तो वहाँ दोनों जगह लॉकडाउन अभी लगा हुआ है तो इसलिए ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल है नहीं मार्केट में, ये मुझे यहाँ से पता लगा। बट मुझे फाइनली कुछ ना कुछ पसंद आ गया और मैंने ले लिया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ घर जाके, अभी यहाँ पर तो बहुत गर्मी हो रही है और दूसरा मैं मास्क भी पहनना पड़ेगा क्योंकि पुलिस बहुत ज़्यादा चालान कर रही है। ठीक है, तो लेट्स गो और जो एक दो काम है वो निपटाते हैं, फिर सीधे घर चलते हैं और देखते हैं कि बीवी को गिफ्ट कितना पसंद आता है। लेट्स गो देन। मैं घर को जा रहा था तभी एक चीज़ याद आई, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो कि सेलिब्रेशन के लिए मैं भूल ही गया था ऑलमोस्ट, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कब से ये सब सेलिब्रेशन हुए ही नहीं है, 2 साल होने को आए हैं। तो केक मैं बिल्कुल भूल चुका था, तो मेरे जस्ट चलते चलते याद आया कि मुझे केक भी तो परचेज़ करना है। तो अब मैं जस्ट रुका हूँ यहाँ पर राजनगर में, डोनाल्ड्स पेस्ट्री शॉप है, तो यहाँ पर रुका हुआ हूँ और यहाँ से चलता हूँ अंदर और केक परचेज करता हूँ, फिर सीधे घर के और रवाना हो जाऊँगा क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ। ऑफिस से कह के निकला था 1.5-2 घंटे के लिए, बट इट्स 2 आवर्स ऑलरेडी कम्प्लीटेड और मेरी 4:30 बजे से मीटिंग है और अभी 4:45 ऑलरेडी हो चुके हैं। तो बस जल्दी जल्दी करके फिर मैं पहुँचता हूँ, फिर हम शाम को सेलिब्रेशन करेंगे और शाम को ही मैं बीवी को बताऊँगा अबाउट ऑल दिस। लेट्स गो। सो हेयर इज माय केक रेडी और मैंने केक के साथ साथ ये लिया है वाइफ के लिए, होप उसे पसंद आए। और बीवी को मेरी जो पसंद है वो ब्लूबेरी केक पसंद है और वो केक था नहीं तो मैंने उसके लिए एक पेस्ट्री ले ली है ब्लूबेरी। और अब बस, तो अब मैं निकल चुका हूँ घर के लिए और सीधा रास्ते में कहीं भी नहीं रुकना है, अब सीधे घर जाना है और बीवी का भी फ़ोन आ चुका है। तो मैं जो बहाना लेके निकला था वो मैंने बोल दिया कि काम हो नहीं पाया है, वो अब कल करूँगा, तो अब कल फिर दोबारा आऊँगा काम के लिए। सो लेट्स गो नाउ, देखते हैं कि कैसा रहता है उसका रिएक्शन। तो अब मैं पहुँच चुका हूँ अपने घर और अब बस जा रहा हूँ और अभी तो छोटा सा जो गिफ्ट लेकर आया हूँ मैं वो दूंगा नहीं बीवी को, और क्योंकि केक को मैं छुपा नहीं सकता हूँ, गाड़ी में रख नहीं सकता हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है इसलिए केक तो अंदर लेकर जाना पड़ेगा, ये तो नहीं छुप सकता है। बट जो गिफ्ट मैं लेकर आया हूँ वो छुपा दूंगा और वो मैं जब हम केक काटेंगे उस टाइम पर दूंगा, तब देखते हैं उसको पसंद आता है कि नहीं पसंद आता है ये गिफ्ट छोटा सा। सो लेट्स गो देन। कैसा लगा? बहुत अच्छा, दिनों इतने सालों महीनों सालों बाद मैंने ब्लूबेरी का टेस्ट मैंने ट्राई किया है स्टारबक्स में, तो अब जाके मुझे खाने को मिला है। बहुत
इस टाइम टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 8 PM और 2 साल पहले इसी समय 8:15 बजे के आसपास हम लोग की इंगेजमेंट हुई थी कानपुर में, तो इसलिए मैंने सोचा कि हम लोग केक भी आज उसी टाइम काटते हैं। तो अभी जस्ट मेरी और बीवी की दोनों की ऑफिस की मीटिंग्स ख़त्म हुई हैं, काम तो हम लोग के पास अभी बहुत सारा है लेकिन काम हम लोग अब बाद में करेंगे, तो पहले हम लोग केक कटिंग करेंगे और बीवी गई है अभी तैयार होने, तो मतलब तो फिर उसके बाद फिर हम लोग केक कटिंग करेंगे और 8 बजे के अराउंड ही मान लीजिए। और जैसा कि मैंने बताया था आपको कि मैं केक तो उसे दे दूँगा, दिखा दूँगा, तो केक उसने खा लिया है, पेस्ट्री उसने खा ली है और बहुत अच्छी लगी उसे, बिकॉज उसे ब्लूबेरी बहुत पसंद है पेस्ट्री, तो वो मुझे पता था, तो वो मुझे दिख गए इसलिए मैंने वो ले ली थी। और केक अब हम लोग काटेंगे और मैंने उसे गिफ्ट का बिल्कुल नहीं बताया है, ना ही उसे कोई आइडिया है जितना मुझे उसे देखकर लग रहा है, ठीक है। तो मैं देखता हूँ कि उसका क्या रिएक्शन होगा, है ना, और कैसा उसे लगेगा गिफ्ट, देखते हैं। तो लेट्स सी यू एट केक कटिंग, चलिए आपको दिखाते हैं फिर केक कटिंग। तो हमारे यहाँ स्टार्ट हो चुकी है अब केक कटिंग की प्रिपरेशन, जिसमें बस केक फ्रीज से निकाला गया है और प्लेट में डाला जा रहा है बीवी द्वारा, और इधर मम्मी और पापा भी वेट कर रहे हैं। पापा मास्क उतार दो, अंदर घर में अलाउ नहीं है, जेब में रख लो अपनी। पापा हमारी शॉप छोड़ के आ गए हैं और तैयारी चल रही है आज से 2 साल पहले दो साल पहले भी सेम टाइम पे हम लोग सेम ही तैयारी कर रहे थे, और बस वहाँ पर तैयारी थोड़ी अलग थी कि हम लोग कोई बाहर से तैयार होने गया हुआ था, वो आ रहा था और मेरी परीक्षा हो चुकी थी इस टाइम पे। तो अब बस चहल पहल थी, रिश्तेदार इधर उधर घूम रहे थे, कोई खा रहा था, आज हम लोग खाने की तैयारी में लगे हुए हैं। तो ये है हमारा छोटा सा केक, मिक्स फ्रूट केक। मुझे आइडिया था नहीं कि इसे कौन सा पसंद है, और लास्ट टाइम लोगों ने रेड वेलवेट खाया था, तो रेड वेलवेट खाने का मन नहीं था मेरा, तो इसलिए मैं ये लेकर आया हूँ। और तो कैसा लग रहा है आज आपको 2 साल पूरे होने पे, बताएं? मुझे बहुत खुशी हो रही है इस एनिवर्सरी को सेलिब्रेट, इस ओकेजन को सेलिब्रेट करने में, हैप्पीली सेलिब्रेटिंग माय एंगेजमेंट एनिवर्सरी, सो आई एम वेरी हैप्पी। और घर वालों के साथ हम लोग यहाँ मना रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन में वैसे भी कहीं बाहर नहीं जा सकते, तो घर पे मनाने में ज़्यादा खुशी हो रही है।
सीख रही हैं। आज हमने मम्मी को पकड़ा दिया कैमरा, तो मम्मी ने कभी पकड़ा नहीं कैमरा इस तरीके से, तो अभी हम लोगों को भी नहीं आता। और मम्मी को भी हमारे साथ साथ हमने पकड़ा दिया, तो आज ट्राई करेंगे। आज इतने बड़े शुभ अवसर पर दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत खुश रहें, हमेशा खुशियों से भरा रहे तुम्हारा जिंदगी, हमेशा खुश रहें, बहुत बहुत खुश रहें, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। पापा कुछ बोलना चाहोगे? हम इन दोनों की दीर्घायु के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं। हम जो है इन दोनों की दीर्घायु के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। और यह लौटती साल इनकी मंगलमय हो। आप लोग सभी लोग जो है आशीर्वाद दे रहे हैं इन बच्चों को दोनों को। अरे ये तो नाक की नोज रिंग आई है। अच्छी लग रही है ना? मिली है नोज रिंग और ये बहुत ही प्यारी है। एक्चुअली मैं बहुत टाइम से ऐसी पहनना चाह रही थी, जो ऐसे नोज पिन तो बहुत पहन चुकी, बट रिंग मेरे को पहननी थी तो पतिदेव ने मुझे लाके दिया। ये बहुत ही खूबसूरत है, बट ट्राई करूंगी मैं कि मेरी मोटी सी नाक कभी घुस जाए। थैंक यू सो मच। सो थैंकफुली बीवी को गिफ्ट पसंद आ गया है। ये नहीं पता अंदर से आया कि नहीं आया, लेकिन अब बाहर से तो दिख रहा है कि पसंद आ गया है। तो अभी मेरी मतलब मेहनत जो है थोड़ी सक्सेसफुल हो गई है, तो बहुत खुशी हो रही है मुझे भी। तो अब एक मैडम ने डाल दिया है कि उनके साइज़ में प्रॉब्लम होगी, तो वो मैंने तो सोचा नहीं था, मुझे इतनी मतलब आदत नहीं है और एक्सपीरियंस है नहीं शॉपिंग करने का। तो अभी पसंद आ गया है ना, तो चलो उसी में फिर खुशी है। और इस टाइम 8:15 हो रहे हैं और इसी टाइम हमारी एंगेजमेंट हुई थी 2 साल पहले, ठीक और बिल्कुल इसी टाइम पे हमने अभी केक काटा है। केक काटा है और हमने उस टाइम पे भी अपने एंगेजमेंट में भी ऐसे ही केक काटा था हमने। तो अब केक कटिंग हो गई, फाइनली सक्सेसफुली हमने 2 साल अपने एंगेजमेंट एनिवर्सरी के कंप्लीट कर लिए हैं। यस, तो बहुत खुश हैं हम लोग सेलिब्रेट करने के लिए। 2 साल में थोड़ा छोटा हो गया हूं, थोड़ा मोटा हो गई, थोड़ा मोटा हो गया हूँ मैं। हाँ, 2 साल में काफी चेंजेस आ गए, काफी लॉकडाउन में हेल्दी हो गए हम लोग, मतलब घर बैठे काम कर करके मोटापा आ गया। यस, तो चलिए इसी के साथ फिर आज का व्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आप सभी से मिलते हैं अगले व्लॉग में। यस, टिल देन please don't forget to like, share and subscribe our channel Bevishwani. Please guys support us. और कुत्ते भी भौंक के कह रहे हैं सपोर्ट अस, ये पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक क्यों दे रहे हैं। और प्लीज आप लोग अपना अपना ध्यान रखिए, अपने माँ बाप का, अपने भाई बहनों का, अपनी फैमिली का और पड़ोस का। बिना मास्क के कहीं ना निकलिए और बिना जरूरत के घर से बाहर ना निकले बिल्कुल भी। तो जब तक कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है तब तक बिल्कुल भी बाहर ना निकले। और सबकी खुशामदीद की प्रे करते रहें कि सब कुशल रहें और हष्ट पुष्ट रहें। तो इसी के साथ हम लोग करते हैं व्लॉग को एंड और मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी एक और नए व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय, सब बखैर।